दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई सुनहरी साड़ी के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में रिंकी अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता एक गरीब मजदूर थे और उसकी माँ दूसरों के घरों में नौकरानी का काम करती थी। रिंकी गाँव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती थी। बेटा, तू मन लगाकर पढ़ाई किया कर, किसी भी चीज की कमी हो तो हमें बता देना, लेकिन अपनी पढ़ाई में कभी कोई कमी मत आने देना बेटी। हाँ माँ, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगी और एक दिन सबकी गरीबी को दूर कर दूँगी। फिर आप और पिताजी को कोई भी काम करने की जरूरत नहीं होगी माँ। दोस्तों, उनके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल पाता था। साल में एक बार उनके गांव में एक मेला लगता था। एक दिन रिंकी की सहेलियां उससे बोलती हैं, अरे यार, गांव में मेला लगा है, मैं तो आज अपने मम्मी पापा के साथ मेला देखने जाऊंगी। अरे बहुत मजा आएगा आज। हाँ हाँ, मैं भी मेला देखने जरूर जाऊंगी, बहुत सारी चीजें खरीद कर भी लाऊंगी और बड़े बड़े झूले पर बैठ कर झूलूंगी। और रिंकी, तू नहीं जाएगी क्या? जाने का मन तो मेरा भी है, लेकिन मेरे माँ और पिताजी से बात कैसे करूँ? आज अपने मम्मी पापा को बोल कर देखती हूँ कि वो भी मुझे मेला दिखा कर लाए। तीनों सहेलियाँ अपने अपने घर पहुँच जाती हैं। अरे बेटा, तुम उदास क्यों हो? क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है ना? माँ, मुझे मेला घुमाने ले चलो ना, मेरी दोस्त अपनी मम्मी पापा के साथ मेला घूमने जा रही है माँ। मेरा भी बहुत मन है माँ, मुझे भी ले चलो ना। बेटा, तुम्हें तो अपने घर की हालत पता है ना, हमारे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल पाता है बेटी, ऐसे में हम तुम्हें मेला दिखाने नहीं ले जा सकते बेटी। माँ, मैं मेले में से कुछ भी नहीं खरीदूंगी, आप बस मुझे घुमा कर ले आओ माँ, ऐसे घूमने में तो कोई पैसा नहीं लगेगा ना, आप प्लीज मुझे मेला दिखाने ले चलो ना। तभी वहाँ पर उसके पिताजी आ जाते हैं। अरे क्या बात है, क्या बातें कर रही हो तुम माँ बेटी? पिताजी, आपको पता है ना पिताजी, हमारे गांव में कितना बड़ा मेला लगा है और ये मेला साल में सिर्फ एक बार ही लगता है, क्या आप मुझे मेला घुमाने ले चलोगे पिताजी? मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं एक भी पैसा नहीं खर्च कराऊंगी वहाँ। कोई बात नहीं बेटा, हम आज शाम को ही मेला घूमने जाएंगे, तुम चिंता क्यों करती हो बेटी? रिंकी अपने पिता की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और दिन भर शाम होने का इंतजार करती है। शाम होते ही, अरे माँ, पिताजी कहाँ रह गए? हमें तो आज मेला देखने जाना है ना? देखो ना माँ, कितना समय हो गया, अभी तक क्यों नहीं आए पिताजी? माँ, थोड़ी देर बाद उसके पिताजी भी आ जाते हैं। उसके बाद सभी मिलकर मेले में घूमने जाते हैं। बेटा बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? नहीं पिताजी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो बस यहाँ घूमने आई हूँ। तुम्हारा कुछ भी लेने का मन करे तो मुझे बताना, ठीक है? थोड़ी देर बाद वो सभी अपने घर की तरफ आने लगते हैं। वहीं रास्ते में उन तीनों को एक बुढ़िया मिलती है। अरे बेटा, मुझसे ये साड़ी खरीद लो बेटा, तुम्हारा भला होगा, मुझे बहुत भूख लगी है बेटा, मैं कुछ खाना खा लूँगी। देखिए बुढ़िया माई, हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और ना ही हमें इस साड़ी की जरूरत है, इसीलिए हमें ये नहीं चाहिए। ऐसा मत बोल बेटी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी साड़ी खरीद ले बेटी। माँ, मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, आप इनसे ये साड़ी खरीद लीजिए ना। ये तो कैसी बातें कर रही है बिटिया, तुझे तो पता है ना हमारे पास पैसे नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी बेटी ने पूरे मेले में एक भी चीज नहीं खरीदी, अब वो ये साड़ी मांग रही है तो मैं ये साड़ी उसे जरूर दिलाऊंगा। उसके बाद रिंकी की माँ वो साड़ी खरीद लेती है और खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। घर आकर रिंकी उस साड़ी को पहन लेती है। आजा बेटा, खाना खा ले रिंकी बेटा।
पिंकी दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास आती है, लेकिन जैसे ही वो खाने की कटोरी को हाथ लगाती है तो वो कटोरा अचानक से सोने में बदल जाता है। अरे, इस कटोरी का कलर कैसे बदल गया माँ? उसके बाद रिंकी खाने की मेज को हाथ लगाती है और देखते ही देखते वो पूरी मेज एक सोने की मेज में बदल जाती है। उसके माता पिता ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे, ये तो सोने का लग रहा है। थोड़ी देर बाद रिंकी की माँ उसे फूलदान देती है। बिटिया, जरा इसे हाथ लगाओ। रिंकी अपने हाथों से उस फूलदान को पकड़ती है और वो फूलदान भी सोने में बदल जाता है। बेटा, अब जल्दी से तुम ये साड़ी चेंज कर लो। फिर रिंकी वो साड़ी चेंज कर लेती है। उसके बाद रिंकी खाना खाती है। साड़ी चेंज करने के बाद उसके घर का कोई भी सामान सोने में नहीं बदलता। मुझे सब समझ में आ गया है। ये साड़ी कोई मामूली साड़ी नहीं है, ये किसी की जादुई साड़ी है। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सुनो बेटा, इस जादुई साड़ी के बारे में तुम कभी किसी को मत बताना। ठीक है माँ, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी। उसके बाद उसका परिवार बहुत ही जल्द बहुत अमीर हो जाता है और सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। वहीं दूसरे गांव में उसके चाचा चाची रहा करते थे। अरे, आपको क्या पता, आपके बड़े भाई साहब आजकल बहुत तरक्की कर रहे हैं। कल तक वो कहाँ दो कौड़ी के मजदूर थे और आज अरबपति बने बैठे हैं। जरा पता लगाओ उनके हाथ ऐसा क्या लगा है। मुझे लगता है तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। चलो चलकर उनसे बात करके आते हैं। उसके बाद रिंकी के चाचा चाची गांव में आ जाते हैं। क्या बात है बहन जी, आजकल बहुत तरक्की कर ली है, ऐसा क्या शुरू कर दिया आपने? कुछ भी तो नहीं बहन, बस दो वक्त की दाल रोटी कमा कर खा रहे हैं। आओ थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आपकी भाभी तो मुझे कुछ नहीं बताएंगी। आप अपने भैया से ही बात उगलवाने की कोशिश करो और पता करो कि इनके हाथ में अचानक लगा क्या है। तुम चिंता मत करो जानू, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। एक दिन रिंकी की चाची छुपकर उनकी सारी बातें सुन लेती हैं और उसे जादुई साड़ी के बारे में सब कुछ पता लग जाता है। सुनो जी, मुझे सब पता चल गया है, उनके अमीर बनने का एक राज है। क्या? जल्दी बताओ। अरे जल्दी बताओ। अरे, इनके पास जादुई साड़ी है। ये उस साड़ी को पहनकर जिस भी चीज को हाथ लगाते हैं वो सोने में बदल जाती है। मैं समय मिलते ही उस साड़ी को उनसे चुरा लूंगी, उसके बाद हम यहाँ से चुपचाप फरार हो जाएंगे। अरे वाह, ये हुई ना बात, लेकिन ध्यान से करना, कहीं तुम पकड़ी ना जाओ। चाची चुपके से एक दिन वो साड़ी चुरा ही लेती है। फिर अगले दिन, अच्छा बहन, अब हम चलते हैं, घर में बहुत सारा काम है बहन जी, हम फिर कभी आ जाएंगे। अरे, तुम इतने दिनों बाद आए हो, कुछ दिन और रुक जाओ। नहीं नहीं भैया, घर पर पिंटू अकेला है, इसीलिए हमें जल्दी जाना है। इतना कहकर दोनों चाचा चाची वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन, रिंकी बेटा, जाओ बेटा, अंदर जाकर वो साड़ी लेकर आओ, हमें गरीबों में कुछ पैसे बांटने हैं। रिंकी साड़ी लेने जाती है, लेकिन रिंकी को वो साड़ी कहीं नहीं मिलती। वो भागी भागी अपनी माँ के पास आती है। माँ, वहाँ तो साड़ी है ही नहीं माँ। उसके बाद पूरा परिवार मिलकर वो साड़ी ढूंढते हैं, लेकिन साड़ी कहीं नहीं मिलती। साड़ी ढूंढने की अब कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि वो साड़ी कहाँ है। क्या? तो बताओ ना माँ, वो साड़ी कहाँ गई है? तुम्हारे चाचा चाची वो साड़ी चुरा कर ले गए हैं। ये क्या बोल रही हो तुम, इनकी इतनी हिम्मत, मैं अभी फोन करता हूँ उसे। उसके बाद उसके पिता उसके चाचा के पास फोन करते हैं। अरे भैया, आपको हम चोर नजर आते हैं क्या? हम आपके घर में आकर साड़ी चुराएंगे। अगर ऐसी बात है तो आज के बाद हम आपके घर कभी नहीं आएंगे।
गुस्से में उसका चाचा फोन काट देता है। एक दिन उसकी चाची साड़ी पहनकर अपने बेटे पिंटू को छू देती है। पिंटू तुरंत सोने में बदल जाता है। हाय राम, ये मुझसे क्या हो गया? जल्दी आओ जी, ये देखो हमारे पिंटू को क्या हो गया है। पिंटू! चाचा भागा भागा पिंटू के पास आता है और देखता है, अरे ये तो सोना बन चुका है। उसके बाद दोनों अपने बेटे को लेकर रिंकी के एक गांव में रानी नाम की एक लड़की रहती थी। जब रानी छोटी थी तो उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। उसके पिता मनोज अक्सर शहर में रहा करते थे, इसीलिए उन्होंने चमेली नाम की एक औरत से शादी कर ली थी। चमेली शुरू शुरू में रानी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे चमेली की एक बेटी हुई जिसका नाम उसने चिंकी रखा। चिंकी के पैदा होते ही चमेली ने रानी के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया था। वो रानी से घर का सारा काम करवाती थी और अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए रानी को कहा करती थी। चमेली सारा दिन अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमती रहती थी और घर आकर फोन पर टाइम पास किया करती थी। इधर चिंकी का ध्यान रानी रखती थी। चिंकी रानी से और रानी चिंकी से बहुत प्यार किया करती थी। धीरे धीरे चिंकी बड़ी होने लगती है और रानी को अपनी सगी बहन की तरह मानने लगती है। अब चमेली का व्यवहार रानी के लिए और भी बुरा होता जा रहा था। चमेली रानी को ठीक से खाना भी नहीं देती थी और बहुत मारती पीटती थी। एक दिन की बात है, रानी किचन में सफाई कर रही थी, तभी उसके हाथ से एक कांच का गिलास गिरकर टूट जाता है। तभी उसकी माँ चमेली रसोई घर में आती है। ग्लास टूटा देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो रानी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और बोलती है, करमजली तूने इतना महंगा ग्लास तोड़ दिया। मेरे 6 ग्लास का ये सेट था, तूने पूरा सेट खराब कर दिया। ठीक से काम नहीं कर सकती क्या? खाने के लिए तो हाथ तेरे बड़ी जल्दी जल्दी चलते हैं और काम के समय तेरे हाथ ही नहीं चलते। माँ मुझे माफ कर दीजिए, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। आज से 2 दिन तक तुझे खाना नहीं मिलेगा, समझी? इतना कहकर चमेली वहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें चिंकी सुन रही थी। उसे अपनी माँ की इन बातों का बहुत बुरा लगता है। रात होने पर रानी खाना बनाकर अपनी माँ के लिए लाती है। तुझे पता है ना, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, इसीलिए हमें खाना खाते हुए घूरना नहीं। जा यहाँ से, अपने कमरे में जा, थोड़ी देर में आकर बर्तन साफ कर जाना। रानी अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद चिंकी थोड़ा सा खाना लेकर उसके पास आती है और बोलती है, दीदी आप ये खाना खा लो, आपको बहुत भूख लगी है ना? दीदी माँ बहुत बुरी है, वो हमेशा आपके साथ बुरा व्यवहार करती है। नहीं गुड़िया, ऐसा नहीं बोलते, वो हमारी माँ है। और बेटा मुझे भूख नहीं है, ये खाना तुम खा लो। नहीं दीदी ऐसा नहीं बोलो, मैं ये खाना आपके लिए लेकर आई हूँ, मैं माँ से छिपा कर लेकर आई हूँ, आप इसे खा लीजिए। दीदी चिंकी रानी के सामने खाने की प्लेट रख देती है। तभी वहाँ पर चमेली आ जाती है। अच्छा तो महारानी यहाँ बैठकर मेरी बिटिया से खाना मंगवा रही है। तुझे कहा था ना कि 2 दिन तक तुझे खाना नहीं मिलेगा, फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई खाने को हाथ लगाने की? नहीं माँ, मैं खाना नहीं खा रही थी। मैं सब जानती हूँ। चिंकी तू मुझसे पूछे बिना इसके लिए खाना कैसे लेकर आई? मैं तेरी सगी माँ हूँ, ये करमजली तेरी कुछ नहीं लगती, समझी? बस कीजिए माँ, चुप कर जाइए, आप माँ नहीं हो सकती, आप तो एक डायन है, मुझे आपसे कभी बात नहीं करनी। आप बहुत बुरी हो, माँ के नाम पर चुड़ैल हो, आप मेरी सगी माँ हो ही नहीं सकती। रानी दीदी मेरी सगी बहन है, आप दीदी को इतना परेशान करती हो, आपको शर्म आनी चाहिए माँ। चिंकी की ये बातें सुनकर चमेली को बहुत गुस्सा आता है और वो चिंकी को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। नहीं माँ आप गुड़िया को मत मारिए, जो सजा देनी है आप मुझे दीजिए। ठीक है तो तू भी ले। चिंकी रोते रोते वहाँ से चली जाती है। तुझे खुशी मिल गई ना मेरी बेटी को मुझसे अलग करके? तू मेरे पीछे से हमेशा मेरी बेटी के कान भरती रहती है,
चिंकी तो अभी छोटी है, मैं उसे समझा लूंगी। पर अब मैं तुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, निकल जा मेरे घर से। लेकिन माँ, मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? मैं तो यहाँ पर किसी को जानती भी नहीं हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन, जंगल में एक कुआं है, उस कुएं में जाकर कूद जा। मैं तुझे एक मिनट के लिए भी अपने घर में रहने नहीं दे सकती, निकल जा अभी के अभी मेरे घर से। चमेली रानी का हाथ पकड़ कर उसे घर से बाहर निकाल देती है। रानी रोते हुए जंगल की ओर चल देती है और वहाँ बैठकर रोने लगती है। माँ, आप ही बताओ मैं कहाँ जाऊँ अब? आप तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई। अब मेरा कोई सहारा नहीं है माँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। नई माँ ने मुझे हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया, मैं कहाँ जाऊँ माँ? तभी रानी की असली माँ उसके सामने प्रकट हो जाती है। बेटी, तुम रो मत बिटिया। माँ, आप जिंदा हैं? आप अभी तक कहाँ थी माँ? मेरे पास क्यों नहीं आती आप? नहीं बेटा, मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ, मैं इस जंगल में ही रहती हूँ। जब मैंने तुम्हें परेशान देखा तो मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आई हूँ। रानी अपनी माँ को सारी बातें बताती है। बेटी, तू चिंता मत कर, मैं सब सही कर दूंगी। फिर रानी की माँ उसको एक जादुई पर्स का घर बना कर देती है। बेटी, ये एक पर्स का घर है, अंदर तुम्हें सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। तुम इस घर में जाओ और आराम से रहो। जब भी तुम्हें परेशानी हो तो मुझे पुकारना, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर उसकी माँ वहाँ से गायब हो जाती है। रानी जादुई पर्स के घर के अंदर चली जाती है और देखती है वहाँ पर सारी जरूरत की चीजें और अच्छा अच्छा खाना रखा हुआ था। कुछ दिन रानी को घर में ना देखकर चिंकी दुखी होने लगती है और अपनी माँ के पास जाकर बोलती है, माँ, दीदी कहाँ है? मुझे नहीं पता तेरी दीदी कहाँ मर गई। माँ, मुझे सब पता है, आपने मेरी दीदी को घर से बाहर निकाल दिया है। बताओ माँ, दीदी कहाँ है? मुझे मेरी दीदी के पास जाना है। चिंकी की ये बातें सुनकर चमेली फिर से गुस्सा हो जाती है और चिंकी को जोरदार थप्पड़ मारती है। मिल गई तुझे तेरी दीदी, अब जा यहाँ से, अंदर जाकर पढ़ाई कर, मेरा दिमाग मत खा। देखो माँ, मुझे मेरी दीदी के पास जाना है, नहीं तो मैं भी इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। तभी शहर से उनके पिता मनोज वापस आते हैं। क्या हुआ चिंकी बिटिया, तुम रो क्यों रही हो? पिताजी, माँ ने दीदी को घर से बाहर निकाल दिया है। नहीं, ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं पिताजी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। माँ दीदी पर बहुत अत्याचार करती है, उनको बहुत बुरी तरह मारती है और उनसे घर का सारा काम करवाती है, और पता है उन्हें ठीक से खाना भी नहीं देती है। चिंकी की सारी बातें सुनकर मनोज को बहुत गुस्सा आता है और वो चमेली को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? मैं तो तुझे उसकी माँ बना कर लाया था और तू मेरी बेटी पर अत्याचार करती है, दुष्ट औरत। मैं और चिंकी भी घर छोड़कर जा रहे हैं, अब तू इस घर में आराम से रहे। नहीं जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं अकेली कहाँ जाऊंगी। चिंकी और उसका पति उसकी एक नहीं सुनते और उस घर को छोड़कर जंगल की ओर चल देते हैं। वहाँ जाकर वो रानी को ढूंढना शुरू करते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक जादुई पर्स का घर नजर आता है, वो उस घर में प्रवेश करते हैं। वहाँ पर उन्हें रानी मिल जाती है। मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे, ये सब अत्याचार मेरी वजह से हुआ है गुड़िया। कोई बात नहीं पिताजी, लेकिन माँ कहाँ है? माँ नहीं दिखाई दे रही। वो माँ नहीं, दुष्ट औरत है, अब हम उसके पास कभी नहीं जाएंगे। नहीं पिताजी, ऐसा ना बोले, वो हमारी माँ है। चमेली बाहर खड़े ये सारी बातें सुन रही थी। चमेली को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उन तीनों से माफी मांगती है। फिर उसके बाद से सभी लोग खुशी खुशी जादुई पर्स के घर के अंदर रहने लग जाते हैं।